एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती कट ऑफ मार्क कितना जाता है, इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि आप कबीरधाम जिले का बनाइए। हमने कई जिले का अभी भी बना दिए हैं, चाहे रायगढ़ का हो या राजनांदगांव का हो। तो आप जिस ज़िले से भी बिलोंग करते हैं, आप अपने ज़िले का देखेंगे, क्योंकि आप अपने ही ज़िले में आवेदन कर सकेंगे। जब 2019 में कबीरधाम में वैकेंसी निकाली गई तो 10 पोस्ट था, और 10 पोस्ट में कितना मेरिट लिस्ट गया है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। कट ऑफ मार्क का टॉप 10 आप दोनों यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल में दो पद थे जब 2019 में वैकेंसी निकाला गया, तो दो पदों के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, 102 नंबर यहाँ पर गया है। तो आपको 150 में कम से कम 100 से ज़्यादा अंक लाने हैं, आप ध्यान में रखेंगे। आपको कम से कम 75% अंक लाने हैं। अगर आप निकालते हैं 150 का 75%, तो आपको कम से कम 70% तो लाने ही हैं, आपको ध्यान में रखना है। उससे ज़्यादा ही आप लाएं, कम से कम 70 से ऊपर ही, तो आपका इसमें बनता है चयन में। क्योंकि यहाँ पर चार में अगर देखेंगे तो 100 गया है, 100 से ऊपर है, तो यहाँ से कट ऑफ पता चल गया आपको, इसमें आपको कोई डाउट ना रहे। दूसरा आ चुका है जनरल का ही, महिला वर्ग में कितना गया है, एक पोस्ट था, तो एक ही जने का सिलेक्शन होगा और 100 नंबर उनका गया है। तो कबीरधाम जिले में अन्य जिले के मुकाबले ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। इसके बाद और जो आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर, अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त में दो पद थे, तो दो पद में कट ऑफ गया है 102, जनरल का भी 102 गया है, और पॉइंट में हो सकता है इसमें अंतर हो, हम देखते हैं एक बार। पॉइंट में अंतर है 865 और 083, क्या वही नाम थोड़ी ना दे दिया गया है, यह आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं हम। भगत राम साहू और पृथ्वीराज यहाँ पर दिया हुआ है, और सेम नाम को इसमें भी दे दिया गया है दोनों में, क्योंकि वो दोनों में आ रहे हैं तो मेरिट लिस्ट उसी के अनुसार ही बनेगा। तो हमको इसको कट ऑफ नहीं मानते हैं, नीचे वाले को ले लेते हैं। नीचे वाले में 100 तो यही उसमें भी गया है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि 99 लगभग 97-99 जाएगा, क्योंकि जनरल का जनरल में भी इन लोगों का नाम आ चुका है। इसके बाद कबीरधाम में अनुसूचित जाति मुक्त में यहाँ पर आ चुका है, अनुसूचित जाति एससी में एक पोस्ट था, और एक पोस्ट के आधार पर यहाँ हम मार्क को देखेंगे तो 90 जाता है, 150 में कितना 90, तो ज़्यादा अंक नहीं जा रहे हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितना जाता है, क्योंकि एक ही जाने का सिलेक्शन इसमें होगा, तो 90 यहाँ पर हम कट ऑफ मानेंगे। और ज़्यादा पोस्ट इस बार भी नहीं निकला है, हर ज़िले की बात करेंगे तो ज़िलेवार बांट दिए गए हैं, इसलिए कम हो जा रहे हैं पोस्ट। इसके बाद एसटी का यहाँ पर आ चुका है मुक्त में, और मुक्त में तीन पोस्ट थे, कितने पोस्ट हैं, तीन पोस्ट हैं, और तीन में कट ऑफ जाएगा 77 नंबर, हालांकि टॉप यहाँ पर 94 जा चुका है। चूँकि इसमें मुक्त है इसलिए महिला यहां पर आ चुका है, दो में महिला 94-77, तो मुक्त में इन तीनों का यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, पुरुष इसमें नहीं आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे, और महिला में एक पोस्ट है महिला में गया है 94 नंबर, जो कि उसमें था, तो 94 का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, 77 का भी जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा, 72 का इसमें कट ऑफ मान सकते हैं कि एसटी महिला वर्ग में कितना गया है, तो 72 गया है 150 में, कितना गया 72 गया 150 में। तो किस तरह से कंपटीशन लेवल रहता है वो आप अनुमान लगा सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ज़्यादातर कमेंट आएंगे तो हम पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा या आपको हमारे वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको सुधारने की प्रयास करेंगे। ये सीजी पटवारी भर्ती का आप कट ऑफ देख रहे हैं, और कौन से ज़िले का देख रहे हैं वो तो आप देख लिए, कबीरधाम जिसे कवर्धा जिला भी कहते हैं यहाँ का आप देख रहे हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।